और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन में फूट पड़ी है। सिंघू बॉर्डर पर जुटे थे कई किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ यहां पर नारेबाजी होती हुई दिखी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी ये मिल रही है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर कई किसान नेता जुटे थे संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ, यहाँ पर नारेबाजी की गई है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई है। अब ये जो आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है, अब इसमें फूट पड़ती भी नजर आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है जहां पर सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान नेता जुटे थे, वहां से संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ नारेबाजी हुई है। तो देखिए, यहां टिकैत से नाराज है चढ़ूनी गुट, और यहां पर किस तरह से अब किसान नेताओं में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है वो साफ तौर से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कल शाम सिंघू बॉर्डर पर यह मतभेद सामने आया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा में बड़ी फूट का खुलासा हुआ और संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पड़ती हुई नजर आई। और रजनीश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो रजनीश, अब यहां पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के बीच जो फूट की खबर आ रही है, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, ये पूरे विजुअल्स देख के साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से राकेश टिकैत जब कल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे तो वहां पर मौजूद किसानों ने किस तरीके से राकेश टिकैत के साथ बहस हुई। ये जो सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर पे ज्यादातर जो तथा कथित किसान है वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट के बताए जाते हैं। और कल जब 26 नवंबर और 29 नवंबर की रणनीति तैयार करने के लिए जब राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे तो किस तरीके से किसानों ने उनके साथ बहस की, राकेश टिकैत उनको समझाते हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये किसान उसके हाथ से छिटक गए या इन किसानों के दिमाग से राकेश टिकैत जो कहा जा सकते हैं जो प्रभाव है वो खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसी के चलते राकेश टिकैत उनको समझाते हुए नजर आए और बहुत बहुत मशक्कत की गई। नहीं रजनीश, राकेश टिकैत उनको समझा रहे थे, ठीक है, क्योंकि राकेश टिकैत की मजबूरी आप इसे कह लीजिए, क्योंकि अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो ये समझिए कि राकेश टिकैत को शायद राजनीति चमकाने का मौका ना मिले। लेकिन जरा ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फूट इस किसान आंदोलन में पड़ती हुई नजर आ रही, क्या वजह थी उसकी? देखिए, अगर वजह की मैं अगर बात करूं तो ये साफ तौर पे ये हम लोग भी पहले से देखते आए हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत के बीच अक्सर बयानों को लेकर खींचतान देखी जाती है, और यही कारण था कि कल जब राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे तो वहां के किसानों ने राकेश टिकैत का विरोध किया, राकेश टिकैत से बहस की। और जहां तक जो मेरे सोर्स है उनका ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो समर्थक किसान है वो बैठे, उनका ये कहना है जिस पूरे आंदोलन को एक तरह से राकेश टिकैत ने हाईजैक कर लिया है। और आप बने रहिए रजनीश हमारे साथ, और एक बार फिर दर्शकों को दिखाते हैं ये तस्वीरें, देखिए किस तरह से यह राकेश टिकैत समझाते हुए नजर आ रहे हैं और हूटिंग यहां पर देखिए आपको सुनने को मिलेगी। दरअसल देखिए, ये कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है, और तस्वीरें जरा आप देखिए, राकेश टिकैत इन लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ नारेबाजी हुई है, और ऐसे में कल शाम सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग में सामने आया मतभेद, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो 26 नवंबर से जो संसद के सामने 500 ट्रैक्टर ले जाने की जो बात सामने आ रही थी, जो वो प्लान ट्रैक्टर मार्च का नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब उसका आगे क्या कुछ उसकी तस्वीरें होंगी, क्योंकि फिलहाल तो यहां पर फूट पड़ती हुई संयुक्त किसान मोर्चा में नजर आ रही है।